से कुछ लोग हमारी सीरीज में आते हैं, ये मंथली सीरीज है, इसका नाम है व्हाई इट स्पीक्स टू मी। हर महीने अमूमन लास्ट थर्सडे को, थर्सडे की कोई खास सैंक्टिटी नहीं है, बहरहाल हर महीने के आखिरी हफ्ते में हम यहाँ मिलते हैं और हम बात करते हैं कि क्यों कोई एक चीज है जो हमें मुतासर करती है। और मेरे पास एक क्रिएटिव राइटर के लिए जरा सा शायद चैलेंज होता होगा कि आप अपनी शायरी की बात ना करें बल्कि किसी और की शायरी की बात करें। हमने फैज पे बात की है, सैफ महमूद या मोदी फैज पे एक घंटे तक तवील एक लेक्चर दिया, वाई फैज स्पीक्स टू हिम। वी हैड नारंग साहब इनॉग्रेट द सीरीज बाय टॉकिंग अबाउट खालिद, देन वी हैड समवन टॉक अबाउट सरदार जाफरी, वी हैड वेरियस पीपल। तो ये एक सीरीज है, जब तक अमीर और मीना का की ब्लेसिंग्स रहेंगी ये सीरीज चलेगी। दे हैव बीन वेरी काइंड होस्ट्स एंड दे अलाउ अस टू डू दिस प्रीटी मच एज़ वी प्लीज। अब की बार जनाब आ चुकी हैं, हिंदुस्तान आए हुए हैं, तो हमारी इनसे गुजारिश थी कि ये मीर का इंतखाब हमें सुनाए। मैं जनाबा के घर जा चुकी हूँ और वहाँ बहुत किताबें हैं। जनाबा की शायद खासियत ये है कि ये पढ़ती ज़्यादा हैं और नस्बता कम लिखती हैं। लोगों को इतराज़ भी रहा है कि उन्होंने वॉल्यूम्स क्यों निकाले, शायद वो बहुत पढ़ती हैं, मुमकिन है ये मुझे नहीं है। बहुत अरसे से वो इंतखाब मीर कर रही हैं, हमें उम्मीद है कि वो आज उस इंतखाब में से कुछ चीज़ें पढ़ेंगी। और चूंकि हमारी सीरीज का अनुमान है वाह इट स्पीक्स टू मी, तो आप हमें ये बताइए कि मीर में ऐसी क्या खासियत है, ऑल द थिंग्स दैट यू रेड, वाई मीर स्पीक्स। देखिए मीर साहब के ऊपर तकरीबन मेरे ख्याल में कम अज़ कम सिद्दीक शायद इससे एग्री करेंगे, मुझसे मुत्तफिक होंगे कि मेरे ख्याल में 50-60 से ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। नारंग साहब का, शम्सुर रहमान फारूकी साहब का, सबका बड़ा काम है और इंतखाबात भी किए गए हैं। इंतखाब का मामला बड़ा मुश्किल होता है, इंतखाब में ज़ाती पसंद शामिल होती है और ये बहुत मुश्किल है कि आपकी ज़ाती पसंद दूसरों को भी पसंद आए। हर शख्स का अपना अपना अंदाज है शेर को पसंद करने का और ये सिचुएशन की बात होती है कि बाज़ औक़ात कौन सा शेर आपके दिल पे चुप जाता है या आपको अच्छा लगता है। मीर साहब का जो है ज़िंदगी के हालात, असल में मुझे इल्म नहीं था कि मुझे बोलना होगा, वरना मैंने थोड़ा बहुत काम कर रखा है, लेकिन जो कुछ भी मुझे याद है वो मैं आपको सुना दूंगी। इनकी ज़िंदगी बड़ी अजीब गुजरी, थोड़ा बहुत मैं आपको बतलाती हूँ कि इनके जो वालिद थे मीर के, वो एक अजीब व गरीब आदमी थे, फ़कीराना अंदाज था उनका। और यह है कि वो वही हज़रत इब्राहिम अदम वाला किस्सा याद आता है कि वो एक मरतबा घर आए और उन्होंने घर की जो मामा थी उससे कहा कि मुझे खाना दे दो, तो उसने कहा कि अच्छा अभी देती हूँ, उसमें थोड़ी देर लग गई। तो उन्होंने कहा कि उसको डांटा तो उसने कहा कि भाई वैसे तो आप बड़े अल्लाह वाले बनते और थोड़ी देर के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते खाने के लिए। इस बात का पता नहीं कैसे क्या असर हुआ कि वो घर छोड़ के निकल गए और उसके बाद ये नहीं सोचा कि बच्चे भी हैं घर में, घर भी है, बस वो चल पड़े। और रास्ते में उनकी मुलाकात एक शादी हो जा बारात जा रही थी, तो वहाँ उस दूल्हा को देखा उन्होंने और मालूम नहीं उस दूल्हा पे क्या असर हुआ कि वो भी अपनी बारात छोड़ के इनकी चल पड़ा। तो ये है कि ये तरह तरह की ये मैं आपको बता रही हूँ जो उन्होंने मौलाना आसी ने जो उनके बारे में लिखा थी उसके है। तो उन्होंने तो गरज ये कि वो एक फकीरी के आलम में उनके बात रहे सारी उम्र। बड़े भाई जो थे इनके वो बहुत पढ़ते लिखते थे क्योंकि घर में किताबें बहुत थी, तो हमेशा और ये खेलते फिरते थे इधर उधर मीर साहब। तो बड़े भाई हमेशा कहते थे कि नाम तो असल में बाप का हम ही से चलेगा, इससे क्या चलेगा, ना ये पढ़े ना लिखे ना कहीं जम के बैठे। इस तरह से तो उनका बचपन हुआ। फिर वालिद के इंतकाल के बाद उन पर बड़ी मुसीबतें पड़ी। अगर वो जो वालिद के साथ जो दोस्त थे उनके जो अपनी बारात छोड़ के उनके साथ आ गए थे, उन्होंने ही मीर की परवरिश की थी जो कुछ भी की, बाकी बड़े भाई ने इनके सर पे हाथ नहीं रखा।
उसके बाद इनका ये चले गए दिल्ली, 13-14 साल की उम्र रही होगी, वहां भी कुछ भटकते फिरे, फिर उसके बाद अपने एक सौतेले खालू के यहाँ जाके रह गए। दो माएं थी तो अपनी सौतेली माँ के भाई थे, वो खाते पीते आदमी थे, उन्होंने इनको रख लिया। वो लोग मुरतब कर रहे थे, मैं नाम भूल रही हूँ, शायद सिद्दीक को याद, शायद आजू का थे, आरजू जी, आरजू साहब के यहाँ रहने लगे। लेकिन जाहिर है सौतेली खाला का कोई उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं था, लेकिन बाहर आ रहे थे। वही इनका जिक्र मीर जो इनकी अपनी लिखी हुई है, अपने मेमोयर्स है, अपनी याददाश्त है, उसमें यह है कि वहाँ इनका पहला इश्क हुआ। चिलमन के पीछे से किसी को देखा होगा, लेकिन वो झलक ही रही और कुछ उसमें कामयाबी नहीं हुई, तो उन्होंने उनको अगवा किया। अगवा कैसे किया कि चिलमन के पीछे से देख के उन्हें चांद में बिठा दिया, और अब वो अपनी महबूबा की शक्ल चांद में देखते थे और उसी के ऊपर शेर कहते थे। तो इस तरह के उनमें एक हल्की सी एक दीवानेपन की एक लहर थी दिमाग में। उसके बाद वक्त गुजरता गया, मुसीबतें उठाते गए, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जब इन्हें जब शायरी थोड़ी बहुत शुरू की और उसकी सुनगुन नवाबों तक पहुंची, तो सिद्दीक की, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ, नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ इनको नौकरी भी मिल गई, और वो नौकरी जो थी वो 1 रुपए रोज की नौकरी थी। अब आप सोचिए, आज से 150-200 बरस पहले किसी आदमी को 1 रुपया रोज मिले तो उसकी अमारत के क्या कहने। मगर एक अजीब व गरीब बददिमागी इनके जहन में थी, एक अना थी और एक अजीब अंदाज था इनका, कि जरा सी बात अपने ये सोचते थे कि किसी ने अगर बेतवज्जो ही की है, किसी ने अगर ठीक से बात नहीं की है, तो ये बिल्कुल उखड़ जाते थे वहां से। तो एक मरतबा ये नवाब आसिफुद्दौला को अपनी गजल सुना रहे थे, तो नवाब साहब अपनी एक हल्की सी छड़ी से रंगीन मछलियों का एक रखा हुआ था वहां छोटा सा बोल, तो उसको छेड़ रहे थे मछलियों को। तो इन्होंने कहा कि हुजूर, शेर तवज्जो चाहता है। तो नवाब ने कहा कि अगर तवज्जो के लायक होगा तो मिल जाएगी, बस वहां सलाम करके रुख्सत हो लिए। फिर बहुत दिनों तक नहीं गए। तब नवाब आसिफुद्दौला ने अपने किसी अमीर से पूछा कि मीर तकी मीर कहाँ है भाई, नजर नहीं आते। तो उसने कहा कि साहब पता नहीं क्या बात है, बहुत दिनों से आए नहीं, मालूम करो। उनके साहब मैंने तो मालूम करने की कोशिश की लेकिन मालूम नहीं। जुमे का दिन था, नवाब आसिफुद्दौला मस्जिद से निकले, अपने हाथी पे बैठे जा रहे थे, तो देखा एक दुकान के थड़े पे मीर साहब बैठे। हाथी रुकवाया और कहा, भाई मीर तकी मीर, मीर साहब आप आए नहीं उस दिन से। वो हाथी के ऊपर थे और मीर साहब नीचे दुकान के थड़े पे थे। तो बजाय इसके कि ये जवाब देते कि मैं नहीं आ सका या कोई उज्र या कोई बहाना, उन्होंने कहा कि जनाबे वाला, हमारे खानदान में जोर से बात करना बाजार में बुरा ख्याल किया जाता। अब वो दुनिया नवाब तो अपना समूह लेके आगे बढ़ गए और ये भी अपने दुकान पे बैठे रहे। तो इस तरह की एक बददिमागी इनमें थी, और ये जो दूसरे शोरा में नहीं थी, मतलब नवाब की खातिर भाई कितने कितने शेर कहे, कसीदे कहे, नवाब का सिलसिला नसब किस किस से मिला दिया और क्या तारीफें हैं और जरा सी बात ये, लेकिन इन्होंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं की। फिर मुसीबतें आती गई। मीर ने शायद पहले शायर होंगे, सौदा ने भी देखी होंगी, सौदा भी उसी जमाने के हैं। इन्होंने 2 जंगें देखी, तो इस शहर को उजड़ते और संवरते देखा, तो इससे इनकी शायरी में और तकवीयत पैदा हुई। और उसके बाद यह है कि एक शेर इनका बड़ा अच्छा है, वो
वो ये है कि तब थे सिपाही अब है जोगी, आह जवानी यूं काटी, इस थोड़ी सी रात में हमने क्या क्या सॉन्ग रचाए। वो सिपाही बनना भी सॉन्ग था, जोगी बनना भी सॉन्ग था, तो सॉन्ग रचाए उन्होंने इस थोड़ी सी उम्र में, क्या क्या हमने क्या क्या सॉन्ग रचाए। फिर इनकी शादी भी हुई, सुना बच्चे भी हुए, एक साहबजादी भी थी। ये भी मालूम हुआ है कि वो शायरा भी थी, लेकिन उस जमाने में शायरा होना मेरे ख्याल में जुर्म की सी हैसियत रखता था, तो वो उनकी कोई मतलब अशार नहीं मिलते। एक शेर मिलता है जो नरेंद्र ख्याल के एक रिसाले में, जो बहुत पुराना एक रिसाला था, उसमें मीरा जी साहब ने कोट किया था, और मुझे हैरत है कि उन्होंने कहां से ढूंढा होगा। लेकिन उस शेर में ये है कि खुशबुए मीर तो आती है, और वो शेर ये है कि अबर छाया है मेह बरसता है और बात करने को जी तरसता है। तो अगर उस जमाने में कोई लड़की ये कहे कि बात करने को जी तरसता है, तो मेरा ख्याल में उसका गला ही घोट दिया जाता होगा। तुम्हारे लिए किससे बात करना चाहती है, क्यों बात करना चाहती है। बहरहाल उनका कोई तस्करा ज्यादा नहीं मिलता। फिर उसके बाद ये कि मतलब जगह जगह नौकरियां करना और छोड़ना, गर्ज ये कि एक जिंदगी पूरे नशे व फराजी में कट गई। फिर हुआ ये कि इनके साथी जो थे वो अपने आगे बढ़ते चले गए, और सौदा भी इन्हीं के जमाने के थे। तो अब ये है कि उनकी शायरी को अगर आप देखिए तो वो एक पूरी जब बीती है जो उनके दर्दमंद दिल से होके गुजरी है, जगह जगह अब, और इस कदर आसान जबान है बाज़े अशार की कि हैरत होती है कि उस जमाने में इस अंदाज, इस सहल अंदाज से अशार का कहना, और जबकि जबान अभी चल रही है मेरे ख्याल में 200 साल पहले, यूं समझिए कि चलना सीख रही है। तो फिर ये हो गया था आखिर आखिर में कि जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ गए थे, कोई सक्का उधर से गुजरा, उसने पानी पिला दिया, उसके लिए शेर कह दिया किसी, वो तो मशहूर शेर है उनके, किसी दवा दारू के लिए किसी अत्तार की दुकान पे गए, उसके लिए शेर कह दिया, कोई सिपाही ज्यादा मिल गया, उसके लिए शेर कह दिया। बस जिंदगी इसी पे जो हम से गुजरती रही। मुश्किल ये थी उस जमाने में कि इन लोगों का, क्योंकि इनकी यूं समझिए कि फुल टाइम जॉब थी शेर कहना, और कोई तो काम था नहीं। अब रात और दिन ये लोग शेर ही कहते थे, तो इन लोगों ने बहुत शेर कहे। अगर आप कुलियात मीर देखें तो मेरी उम्र में तो उसका उठाना ही मुश्किल है, लेकिन वैसे आप लोगों से भी नहीं उठ सकती ना, उसको आप बस ऐसे रख के पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें छांटी कैसे हो। अब मैंने सुना है कि इंतखाब हुए हैं और बहुत से लोगों ने उसके ऊपर काम किया है, मौलवी अब्दुल हक का भी इंतखाब है, इंतखाब मीर, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि इंतखाब करना इतना आसान नहीं है। इंतखाब मेरे ख्याल में किसी भी शायर का सब करना बहुत ही मुश्किल काम। अब मैं आपको ये बतलाऊं कि ऐसे ऐसे शेर भी हैं कि जिससे कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे इन्होंने कहते हैं, बहुत शोर उसकी गली में है मीर, बहुत शोर उसकी गली में है मीर, अब उठ जाए यहां से तो अच्छा करें। अब इसमें कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, कुछ नहीं है,
लेकिन पूरी कैफियत है एक शहर की, बहुत शोर उसकी गली में है मीर, अब उठ जाए यहाँ से तो अच्छा करे। अच्छा, अपने ऊपर नाज भी बहुत है, न देखो कभी मोतियों की लड़ी, न देखो कभी मोतियों की लड़ी, जो देखो मेरी गुफ्तगू की तरफ, जो देखो मेरी गुफ्तगू की तरफ। एक बड़ा मजे का शेर है, दिलो दिल्ली खराब है दोनों, दिलो दिल्ली, दिलो दिल्ली दोनों अगर है खराब, दिलो दिल्ली दोनों अगर है खराब, पर कुछ लुत्फ इस उजड़े घर में भी है, दिल में भी और दिल्ली में। पहले दीवाने हुए फिर मीर आखर हो गए, पहले दीवाने हुए फिर मीर आखर हो गए, हम ना कहते थे कि साहेब आशिकी तुम मत करो, हम ना कहते थे कि साहेब आशिकी तुम मत करो, मर गया आवारा होकर मैं तो जैसे गर्द बात, मर गया आवारा होकर गर्द बात। मैं आपको बता दूं कुछ लोगों के लिए कि वो जो एक चक्कर सा जैसे हम कहते हैं, जब रेत का जो वो होता है एक चक्कर और उड़ता है वो रेगिस्तानों में और फिर तहलील हो जाता है हवा में, मर गया आवारा होकर मैं तो जैसे गर्द बात, पर जिससे ये वाकया पहुंचा उसे वहशत हुई, पर जिसे ये वाकया पहुंचा उसे वहशत हुई। एक से एक हमारे एक दोस्त थे, बहुत लायक और मुहक्क आदमी थे, मुश्किल खाजा उनका नाम था, तो वो कभी कभी मुझे फोन करते थे, कहते क्या कर रही हैं आप, तो मैं जवाब देती थी जी मैं खाक छान रही हूँ, तो कहते थे मैं समझ गया कुल्लियात मीर जेरे मुताला होगी या कुल्लियात सौदा होगी, तो मैंने कहा जी सही समझे आप, कुल्लियात मीर ही पढ़ रही, तो उन्होंने कहा फिर कोई मोती ढूंढा आपने, तो मैंने कहा हाँ दो चार मोती तो निकाल लिए हैं मैंने, तो ऐसे छांटना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों का ये था कि अगर तुम इस जमीन में एक गजल कह रहे हो तो हम इसमें तुम्हें दस कह के दिखा देते हैं, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल। तो उसमें ये होता था कि बहुत से शेर अच्छे होते थे, बहुत से शेर औसत के होते थे और बहुत से शेर खराब होते थे। अब देखिए एक जमीन है, फैज साहब ने भी उसमें कहा है, दिलदार देखना गुलजार देखना, इसमें सौदा की जो गजल है क्या खूबसूरत मुकम्मल गजल है, वो बहुत ही अच्छी। हम कहते थे हम ना देखेंगे इस रोजे हिजर को, पर जो खुदा दिखाए सो लाचार देखना, ये सबको आता है शेर। मैं इसमें मीर साहब की गजल पढ़ रही थी, खराब एक से एक खराब शेर निकल रहा है, मैंने कहा भाई ये 15-20 शेर दो गजलें पढ़ चुकी हूँ, शेर ही हाथ नहीं आ रहा है कोई, एकदम मैं रुक गई, मैंने कहा भाई ये अब देखिए उनका शेर सी, कैसी बहार कैसी बहार हमसे असीरों को मना है, कैसी बहार हमसे असीरों को मना है, जाके कफस से बाग की दीवार देखना। मैं सारी गजलें एक तरफ रह गई और ये शेर ऐसा उभर के आया कि कैसी बहार हमसे असीरों को मना है, जाके कफस से बाग की दीवार देखना। अरे साहब ऐसे ऐसे शेर मिलते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। एक अच्छा बहुत से इनके बड़े रिप्रेजेंटेटिव किस्म के शेर हैं जो उनकी तबीयत का पूरा इजहार करते हैं। गुल ने बहुत कहा कि चमन से न जाइए, गुलगश्त को जो आइए आंखों पे आइए, मैं बेदमाग करके तगाफुल चला गया, फुर्सत कहां के नास किसी के उठाइए, ये इनकी फितरत है, फुर्सत कहां के नास किसी के उठाइए। फिर
एक जगह कहते हैं कि अभी याद आ जाएगा, बहुत से शेर तो याद आते आते रह जाते हाँ था ये कि क्या अच्छा शेर है, क्या कहने हैं, रहे तलब में गिरे होते मुंह के बल हमीर, रहे तलब में गिरे होते मुंह के बल हमीर, शकस्ता पाई ने अपनी हमें संभाल लिया। अब आप सोचिए, शकस्ता पाई ने अपनी हमें संभाल लिया, वरना रहे तलब में गिरे होते मुंह के बल हमीर। हाँ, वो शेर याद आ गया जिसको मैं कह रही थी, क्या कहिए दमाग उसका कि गुलगश्त में कलमीर, गुल शाखों से झुक आए थे पर मुंह न लगाया, गुल शाखों से झुक आए पर मुंह न लगाया। नहीं, उस जमाने में एक आदमी आज से 200 बरस पहले एक शेर कहता है, नुक्ता दाना ने रफ्ता की न कहो, नुक्ता दाना ने रफ्ता की न कहो, भाई बात वो है जो होवे अब की बात, बात वो है जो होवे अब की बात। और फिर जैसा उसे गम है शहर के उजड़ने का, जैसे उसे गम है लोगों की बर्बादी का, यानी और ऐसे ऐसे शेर भी कहे कि मुझे हैरत है कि आज हम कहें ये शेर तो मालूम नहीं लोग हमसे क्या कहें, लेकिन ये कि कहा उन्होंने कि हमसे लेने लगे हैं इबरत लोग, हमसे लेने लगे हैं इबरत लोग, आशिकी में ये एतबार हुआ, हमसे लेने लगे इबरत लोग, आशिकी में ये एतबार हुआ। देखिए ये भी कहा उसने, ये भी उसकी तबीयत के मुताबिक है कि अब तर्क कर लिबास तवक्कल ही कर रहे, सब कुछ खत्म किया, जब तक कुलाह सर पे रही दर बदर रही, जब तक कुलाह सर पे रही दर बदर रही, खाली हाथ स्याह रूह ऐसे काहे को थे हम गिरिया कुना, जिन रोजों दरवेश हुए हम पास हमारे दौलत थी, ये नहीं इसलिए फकीर नहीं हुए कि अब कुछ नहीं रहा, जिन रोजों दरवेश हुए हम पास हमारे दौलत थी। अच्छा, हद से ज्यादा जुल्म व सितम खुशनुमा नहीं, हद से ज्यादा जुल्म व सितम खुशनुमा नहीं, ऐसा सुलूक कर कि तदारुक पसीर हो। उर्दू में जब हम आप अगर उर्दू गजल का मुताला करें, सिर्फ गजल का, तो एक चीज बड़ी नुमाया नजर आती है कि जब गजल जहां से शुरू होती है मतले से उभरती है, उसके बाद क्योंकि गजल बुरी गजल कहना बहुत आसान है, उसके बाद शायर एक दो शेर अच्छे कहता है, फिर चूंकि उसे 7-8 शेर लिखने होते हैं तो उसमें कुछ भर्ती के शेर आ जाते हैं। लेकिन मीर की कई गजलें ऐसी हैं कि जो मतले से तुलू होती हैं और मक्ते तक बढ़ती चली जाती हैं, कहीं आप उंगली नहीं रख सकते कि ये शेर उन्होंने खराब कहा। बधा रात आंसू का कुश्तार सा, हुआ अब्रे रहमत गुनाहगार सा, कोई सादा ही उसको सादा कहे, कोई सादा ही उसको सादा कहे, लगे है हमें तो वो अय्यार सा, मगर आंख उसकी भी ठहरी कहीं, टपकता है चितवन से कुछ प्यार सा, दिखाऊं मताए वफा कब उसे, सदा वहां तो रहता है बाजार सा।
दिखाऊं मताए वफा कब उसे, सदा वहां तो रहता है बाजार सा। जो इतना ही तुम हमको समझो हुसैन, जो इतना ही तुम हमको समझो हो सहल, हमें भी ये जीना है दुश्वार सा। नहीं मीर मस्ताना सोहबत में बाग, मुसाहिब रखो कोई होशियार सा। ये देखिए आप, इस गजल की खूबसूरती ये है कि पहले शेर से तुलू होती है और रोशनी बिखरती चली जाती है। ये बात हमारे हमस शोरा में फिराक साहब के यहाँ भी थी। बहुत सी गजलें उनकी ऐसी हैं जो मतले से तुलू होती हैं और आखिर तक उनका मयार, उनका हुस्न, उनका बयान, उनकी रवानी सब कायम रहती है। वरना बहुत सा ये हो जाता है कि दो शेर अच्छे आए तो चार शेर खराब आ गए और मतला तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, क्योंकि उसमें तो नाम भी लाना था, तखल्लुस भी लाना था। मीर के यहाँ ये चीज नहीं है। जूद गोई है, बहुत ज्यादा लिखा है, मगर ये नहीं। फकर में भी था मीर पर एक रंग, फकीरी इख्तियार कर ली थी। फकर में भी था मीर पर एक रंग, कफनी पहनी सो जाफरानी थी। कफनी पहनी जाफरानी थी, ऐसा। देखिए क्या क्या चीजें, मेरे पास है नहीं इंतखाब। मैंने तो ये रात में बैठ के जो जो शेर याद आए वो मैंने लिखे हैं कि हाँ, खूबरू अब नहीं है गंदुम गुम। हमारे यहाँ जिसका रंग गोरा हो वो सबसे अच्छा समझा जाता था, खासतौर से खवातीन के सिलसिले में। तो वो कहता है खूबरू अब नहीं है गंदुम गुम, मीर हिंदुस्तान में काल पड़ा। मीर हिंदुस्तान में काल पड़ा। ये जबान कितनी खूबसूरत, जबान की क्या बात है। अच्छा, इनको ये है कि ये भी जो सबको आता है कि कशका खेचा देर में बैठा, कब कर कर किस नाम किया। मुझे एक बात पे बड़ी हैरत होती है कि इन सब ने काजी, मुफ्ती, सरबराहों के लिए जो दिल चाह लिखा, बल्कि ऐसी ऐसी बातें भी लिखी है कि जिनको मैं अपनी तरबियत की वजह से आपके सामने दोहरा भी नहीं सकती। लेकिन किसी को ना कैद हुई, ना किसी पे कोई फतवा सादर हुआ, ना किसी के ऊपर कोई कदवन लगा, ना किसी की शायरी बंद की गई, ना किसी को जेल डाला गया। तो मैं समझती हूँ कि वो बड़ा मॉडर्न जमाना रहा होगा, बड़ी जिद्दत रही होगी लोगों की तबीयतों में। वो कहाँ से हम चले थे और कहाँ गए। तो मीर ने भी बहुत कुछ लिखा, बहुत लिखा, और इसी तरह की चीजें लिखी। नासिक ने लिखी, नासिक ने तो बहुत ही ज्यादतियां कर दी हैं, लेकिन शायद नासिक चूंकि पेशावर पहलवान थे इसलिए उनसे लोग डर गए होंगे, मालूम नहीं क्या कर गुजरे। मगर मीर तो बेचारे मरंजा मरंज आदमी, जो चाह लिखा। क्या मीर तूने शराब पी है, क्या मीर तूने शराब पी है, बेहुदा गुफ्तगू चुकी है। कर नशे सामया दुबाला, फिर हर्फ न जाएगा संभाला। ये भी कहा। तो इनकी अजीब गरीब जिंदगी रही है। आप हाँ हाँ, शेख जन्नत तुझे मुझे दीदार, वहां भी हर एक की जुदा किस्मत। शेख जन्नत तुझे मुझे दीदार, वहां भी हर एक की जुदा किस्मत। आलम अब देखिए क्या कुछ नहीं देखा होगा इन आंखों ने। आलम स्याह खाना है किसका के रोज और शब, वो शोर है कि कुछ नहीं देखी सुनाई बात।
आप ये बताइए कि ना देख देख पा रहा है ना सुन पा रहा है, वो शोर है। अच्छा, एक शेर तो ऐसा है जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान पे मालूम नहीं सादक आता है कि नहीं, पाकिस्तान पे तो बहुत आता है, बहुत से शेर आते हैं, लेकिन पूरी दुनिया पे सादक आता है। कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रही। बाग क्या है, राह वहशत गाह है। बाग क्या है, राह वहशत गाह है। अब यहाँ से गुल का मौसम हो गया, अब यहाँ से गुल का मौसम हो गया, ये हो गया कितना अच्छा। हाँ हाँ, क्या कहने। एक ये भी है, देखिए, हमारा खास मसलक इश्क जिसमें पयंबर दिल है क़िबला दिल खुदा दिल। अब ऐसी बात कोई कह सकता, हमारा खास मसलक इश्क जिसमें पयंबर दिल है क़िबला दिल खुदा दिल।